वहीं मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत रुआ बांधा यादव चौक में सोमवार को 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के आधार कार्ड बनाने शिविर आयोजित किया गया था। साथ ही शिविर में जितने आधार कार्ड अपडेट नहीं हुए हैं उनके कार्ड अपडेट भी किए गए। मुख्यमंत्री मितान योजना का शुभारंभ होने के बाद से ही इसका लाभ प्रदेशवासियों द्वारा बड़ी संख्या में उठाया जा रहा है। इसी के तहत यादव चौक रुआ बांधा बस्ती में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड बनाने शिविर आयोजित किया गया, जिसमे वार्ड से आई महिलाओं के बच्चों के आधार कार्ड बनाए गए। साथ ही ऐसे हितग्राही जिनके आधार कार्ड अब तक अपडेट नहीं किए जा सके हैं उनके आधार कार्ड भी अपडेट किए गए। शिविर की जानकारी पूर्व एल्डरमैन प्रेमचंद साहू ने दी। योजना के तहत यहां पे शिविर का आयोजन किया गया है। आज यादव चौक में शिविर का आयोजन किया, लगभग अभी तक के 25 लोग इसका लाभ ले चुके हैं। और समस्त और वार्ड वासियों से अपील करना चाहूँगा, मुख्यमंत्री मितान योजना का आप जरूर लाभ लीजिए, क्योंकि बहुत सारी योजना है मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के द्वारा योजना बनाया गया है। और अभी आप देख पा रहे हैं कितने भी मातृ शक्ति आए हैं बच्चों को लेके, इनको भटकने की ज़रूरत नहीं है। मितान योजना के तहत यहाँ पे स्वयं आएंगे और बना के उनको देंगे आधार कार्ड। आधार कार्ड के साथ साथ पैन कार्ड भी प्रारंभ हुआ है, तो आप सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा, पैन कार्ड के लिए भी आप लोग आधार कार्ड लेके आ सकते हो। आधार अपडेट भी हो रहा है, किसी का मोबाइल नंबर गलत है तो आप मोबाइल नंबर भी सुधरवा सकते हो। आप सभी लोगों से अपील करना चाहूँगा, आप जो नहीं आ पाए हैं वो 14545 में कॉल करके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजना का जरूर लाभ ले। बहरहाल शिविर का लाभ अनेकों लोगों ने उठाया और योजना के शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आभार भी जताया। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।